Good morning. Welcome back. My today's topic is Chief Minister and the power of the Chief Ministers. The head of the Council of the State is called the Chief Minister. हमें ये पता है कि Council of Ministers के जो head हैं, हम उन्हें Chief Minister के नाम से जानते हैं. He is the real head of the State Executive. State Executive के real head अगर किसी को बोला जाता है, तो वो है Chief Minister. Appointment. According to Article 164, the governor will appoint the chief minister. In practice, the leader of the majority party in the assembly is appointed as a chief minister by the governor. Kitna simple hai. Agar thoda sa clear karein isko. Jis tarike se president प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, उसी तरीके से गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रही हूँ कि जब कभी भी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी जिसको वोट करती है और जो मेजोरिटी वाइज जीतता है, उसी को प्रेसिडेंट जो है वो पीएम नियुक्त करते हैं. मतलब एक तरीके से जब कभी भी लोकसभा में मेजोरिटी वाइज कोई लीडर उभर के आता है, तो वो ही पीएम बनता है और हम इसको ऐसे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ने पीएम को अपॉइंट किया. अब आते हैं स्टेट लेवल पे. जब कभी भी असेंबली में कोई भी लीडर मेजोरिटी प्राप्त करता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बहुमत प्राप्त करता है, गवर्नर उनको एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. या फिर सिंपल लैंग्वेज में गवर्नर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. और घुमा के बोलना हो तो कि असेंबली के अंदर जब कभी भी मेजोरिटी वाइज किसी भी लीडर को बहुमत मिलता है, तो वो सीएम बन जाता है, गवर्नर उसी को अपॉइंट करेगा. क्लियर? नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर. फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट. जैसे ही चीफ मिनिस्टर अपनी पोस्ट लेते हैं, उनका सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो होता है खुद की टीम को बनाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना. तो उनका फर्स्ट टास्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है. वो क्या करते हैं, अपने ही टीम में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उसकी लिस्ट गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उनके एडवाइस से क्या करते हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं. सेकेंड, वर्क शेयरिंग एंड ट्रांसफर अमंग द मिनिस्टर्स. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त तो कर लिया, अब कौन कौन सा काम करेगा, वो भी कौन डिवाइड करेगा काम, चीफ मिनिस्टर. तो ही डिवाइड्स अ डिपार्टमेंट. वो डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों में डिवाइड करना चालू कर देते हैं. साथ ही साथ में अगर उनको लगता है कि नहीं, ये जो मिनिस्टर है ये किसी और डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो उनकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं. थर्ड, कैबिनेट वर्क. द सीएम प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग. क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर, सीएम, है ना. तो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसको भी कौन संबोधित करेंगे, सीएम. द वर्किंग लिस्ट इज प्रिपेयर बाय द मिनिस्टर ओनली. अब वो कौन कौन से काम करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट बनाई जाती है. एंड इट इज ऑल्सो एडिटेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीएम. और वो जो बनाई हुई लिस्ट है उसके अंदर प्रायोरिटीज जो है वो सीएम के इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही ली जाती है. कौन सा टॉपिक पहले डिस्कस करना है, कौन सा काम पहले करना है, ये सारी चीजें सीएम के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही क्लियर होती है. फोर्थ, कोऑर्डिनेशन इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नेंस. भाई कैबिनेट चूज भी कर लिया, डिपार्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बट उन डिपार्टमेंट्स के अंदर एक लयता होनी बहुत जरूरी है. मतलब एक यूनिटी, एक टीम की तरह काम करना बहुत जरूरी है. अगर वो डिपार्टमेंट आपस में ही लड़ाते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट अच्छे से चल नहीं पाती. तो ये किसका उद्देश्य बन जाता है, सीएम का, कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, स्मूथली फंक्शनिंग चलती रहे और वो एज अ टीम, एज अ यूनिट.
चीफ मिनिस्टर और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में चीफ मिनिस्टर ऐसे व्यक्ति है जो आपस में लिंक करवाते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात चीफ मिनिस्टर गवर्नर तक लेके जाएंगे और गवर्नर की जो डिसीजन है वो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास लेकर आएंगे, मतलब एक मीडिएटर का काम वो प्ले करते हैं। लास्ट लीडर ऑफ द असेंबली, ही इज द लीडर ऑफ द असेंबली। अब जैसे कि हमने फर्स्ट अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट में देख लिया था कि बहुमत जिस व्यक्ति को मिलेगा गवर्नर उनको सीएम नियुक्त कर देंगे, तो ऐसे में अगर उनको बहुत ज्यादा बहुमत मिल रहा है तो वो कौन बन जाते हैं, लीडर ऑफ द असेंबली। ठीक है, लॉ बिल्डिंग वर्क इज डन ओनली अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। जब वो कोई भी नियम कोई भी पॉलिसी जब लेकर आते हैं तो क्वेश्चनिंग बहुत होती है, क्रिटिसिज्म बहुत होता है और वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए आंसर्स भी देते हैं, बट एट लास्ट में क्या होता है, लॉ बिल्डिंग वर्क जो भी है वो उनकी मर्जी से ही होता है जैसा वो करना चाहते हैं। एज ए लीडर ऑफ द असेंबली ही कैन ऑल्सो एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द असेंबली। हमने गवर्नर की पावर में ये देखा था कि गवर्नर असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट एक्चुअल में लीडर ऑफ द असेंबली कौन है, चीफ मिनिस्टर। और जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि आप असेंबली को डिसॉल्व करो, तब जाके गवर्नर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। हमने गवर्नर के मिसलेनियस पावर के अंदर ये देखा था कि ये अधिकार गवर्नर का है, बट एक्चुअल में ये अधिकार किसका है,